एम सी क्यूज़ इलेक्ट्रिक करंट एंड इट्स इफेक्ट चैप्टर फोरटीन क्लास सेवन क्वेश्चन नंबर वन वट इज़ करंट एंड ऑप्शन आर द फ्लो ऑफ वाटर द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी द फ्लो ऑफ हीट नान ऑफ डीज एंड आंसर इज़ द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी करंट जो है इलेक्ट्रिसिटी के फ्लो को कहा जाता है जो कि एक क्लोज सर्किट के अंदर होता है और इलेक्ट्रिक करंट जो है किसी भी सर्किट के अंदर पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ जो है फ्लो करता है क्वेश्चन नंबर टू द अमाउंट ऑफ करंट दैट फ्लो डिपेंड ऑन द अमाउंट ऑफ डैश अप्लाइड बाय द बैटरी एंड ऑप्शंस आर वोल्टेज रेजिस्टेंस हीट ऑल ऑफ दीज एंड आंसर इज वोल्टेज करंट जो है किसी भी सर्किट में जो आपकी बैटरी उसके ऊपर वोल्टेज अपला वोल्टेज के ऊपर डिपेंड करता है जितना अधिक वोल्टेज होगा उतना ज़्यादा जो करंट जो है उस सर्किट के अंदर फ्लो करेगा क्वेश्चन नंबर थ्री विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ ट्रू अबाउट इलेक्ट्रिक करंट ए एन इलेक्ट्रिक सर्किट इज़ आ पाथ through which electric current flows b an electric circuit is said to be open if no current flow through it c if current flow through electric circuit then it is said to be closed d all of these and answer is d all of these देखिए जो इलेक्ट्रिक सर्किट है उसके बारे में हमारे तीनों जो ऑप्शन है ए बी और सी ये सब जो है ट्रू है फर्स्ट ऑप्शन इज़ एन इलेक्ट्रिक करंट इज़ ए पाथ थ्रू विच इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हम जानते हैं जो इलेक्ट्रिक करंट है वो हमारा सर्किट के अंदर जो है फ्लो करता है एंड ऑप्शन बी देखिए जब वो सर्किट ब्रेक होता है जिसको हम स्विच कहते हैं ओपन होता है तो उसके अंदर करंट फ्लो नहीं करता है तो एन इलेक्ट्रिक सर्किट इज़ सेट टू बी ओपन इफ़ नो करंट फ्लो देन इट तो अगर इस सर्किट के अंदर जो है करंट फ्लो नहीं कर रहा है तो हम इस सर्किट को कहते हैं कि ये ओपन है और सी इसका बिल्कुल कन्वर्स कह लीजिए आप कि अगर करंट इफ़ करंट फ्लो थ्रो इलेक्ट्रिक सर्किट देन इट इज़ सेट टू बी क्लोज अगर सर्किट के अंदर जो करंट फ्लो कर रहा है तो हम उसको जो है क्लोज्ड कहते हैं क्वेश्चन नंबर फोर रेजिस्टेंस डिपेंड्स ऑन थिकनेस ऑफ वायर लेंथ ऑफ वायर मटेरियल ऑफ वायर ऑल ऑफ दीज एंड आंसर इज़ ऑल ऑफ दीज सबसे पहले हम रेजिस्टेंस को समझते हैं हम जानते हैं कि जो रेजिस्टेंस होती है वो क्या कहती है कि जब वायर के अंदर जो है आपका करंट फ्लो कर रहा होता है तो उस वायर के जो एटम है जो उस करंट को जो है रोक रहे हैं उसको हम रेजिस्टेंस कहते हैं तो ये इस बात के ऊपर डिपेंड करता है कि वायर की जो थिकनेस कितनी है अगर वायर की थिकनेस ज़्यादा है तो उसका रेजिस्टेंस भी ज़्यादा होगा लेंथ अगर वायर की लेंथ ज़्यादा है तो रेजिस्टेंस भी ज़्यादा होगा और मटेरियल ऑफ वायर ये डिपेंड करता है कि जो वायर है वो किस मटेरियल का है अगर उसकी रेजिस्टिविटी ज़्यादा है, है मटेरियल की रेजिस्टिविटी ज़्यादा है तो रेजिस्टेंस भी ज़्यादा होगा क्वेश्चन नंबर फाइव विच ऑफ़ द फॉलोइंगज़ हाई इलेक्ट्रिकल रजिस्टेंस बोर्ड रबड़ प्लास्टिक डी ऑल ऑफ दीज एंड आंसर इज डी ऑल ऑफ दीज एलेक्ट्रिकल रजिस्टेंस हमने समझा कि मेटेरियल की, uh, material की uh, जो आपकी रजिस्टिविटी अगर वो ज़्यादा है तो उसकी जो इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस भी ज़्यादा होगी तो यहाँ पर अगर हम देखें तो वुड की रेजिस्टेंस भी बहुत ज़्यादा होती है रबड़ की जो इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस है वो तो भी ज़्यादा होती है और प्लास्टिक की तो भी रेजिस्टिविटी जो बहुत ज़्यादा होती है कि अपने में से जो है इलेक्ट्रिक चार्ज का फ्लो जो है होने नहीं देते इसलिए जो इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी है कि सब के सब जो है करंट के इंसुलेटर है और इनकी रेजिस्टेंस जो बहुत हाई रहती है बैड कंडक्टर हम इन इन सभी को जो हम बैड कंडक्टर भी कहते हैं क्वेश्चन नंबर सिक्स विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ ट्रू इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो ट्रू है स्टेटमेंट फर्स्ट इज अ करंट कैरी कंडक्टर प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट इसके अनुसार कि जो एक कंडक्टर होता है जब उसमें से करंट पास होता है जब उसमें करंट फ्लो करता है तो उसके चारों तरफ जो है मैग्नेटिक फील्ड बन जाती है सेकेंड स्टेटमेंट अ करंट कैरिंग कंडक्टर डज नॉट प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट इस स्टेटमेंट के हिसाब से जब कंडक्टर करंट के अंदर जब करंट जो है कंडक्टर के अंदर फ्लो करता है तो उसके चारों तरफ जो मैग्नेटिक फील्ड नहीं बनती है तो हमारे ऑप्शन है स्टेटमेंट वन स्टेटमेंट टू बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट एंड सी बोथ स्टेटमेंट आर इनकोरेक्ट तो आंसर इज ए हम जानते हैं कि जब किसी भी कंडक्टर के अंदर से जो है करंट कैरी करता है तो उसके चारों तरफ जो मैग्नेटिक फील्ड जो है प्रोड्यूस हो जाती है तो इसलिए जो इसकी स्टेटमेंट फर्स्ट जो है वो ट्रू है क्वेश्चन नंबर सेवन विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एसआई यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस एंड ऑप्शन आर एम्पेयर होम वोल्ट मीटर एंड आंसर इज वोल्ट हम जानते हैं कि जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसके कारण जो है इलेक्ट्रिक करंट जो है वो फ्लो करता है और ये बैटरी के द्वारा जो है प्रोड्यूस किया जाता है और इसको हम जो है बोल्ट में मेजर करते हैं तो इसकी जो ऐसा SI यूनिट है पोटेंशियल डिफरेंस की जो ऐसा SI यूनिट है वो बोल्ट है क्वेश्चन नंबर एट वेच ऑफ द फॉलोइंग इज द ऐसा यूनिट ऑफ ऐसा यूनिट फॉर करंट एम्पेयर होम वोल्ट मीटर जो करंट है उसकी जो ऐसा यूनिट है वो एम्पियर है अगर करंट की यूनिट जो और छोटी लोड़नी है तो उसकी जो है मिली एम्पियर और उससे भी छोटी हो तो माइक्रो एम्पियर क्वेश्चन नंबर नाइन विच ऑफ़ द फॉलोइंग इक्विपमेंट इज़ यूज यूज टू यूटिलाइज द हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इनमें से कौन सा इक्विपमेंट जो है इलेक्ट्रिसिटी के हीटिंग इफेक्ट का यूटिलाइज करता है उसका प्रयोग करता है एन इलेक्ट्रिक बल्ब एन इलेक्ट्रिक फैन और टेलीविज़न ए ट्रांजिस्टर एंड आंसर इज एन इलेक्ट्रिक बल्ब जो इलेक्ट्रिक बल्ब है वो जो है इलेक्ट्रिसिटी के हीटिंग इफ़ेक्ट को जो है यूज़ करता है क्योंकि उसके अंदर जो है जो आपके बल्ब के अंदर होता है वो फ़िलामेंट होता है जिसका जो है हीटिंग मेल्टिंग पॉइंट जो बहुत ज़्यादा अधिक होता है जब हम उसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं तो जो फिलामेंट है वो हीट प्रोड्यूस करता है हीट और लाइट दोनों ही प्रोड्यूस करता है क्वेश्चन नंबर टेन विच ऑफ द फॉलोइंग इक्विपमेंट इज़ यूज टू यूटलाइज़ द मैग्नेटिक इफ़ेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इलेक्ट्रिक आयरन हीटर इलेक्ट्रिक बेल्ट ऑल ऑफ दीज एंड आंसर इज़ इलेक्ट्रिक वेल्ट इन में से जो हमें नीचे ऑप्शन दिए गए थे इलेक्ट्रिक वेल जो है वो इलेक्ट्रिसिटी के मैगनेटिक इफ़ेक्ट का यूटिलाइज करती है थैंक यू